सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और काफ़ी बढ़िया एक अपडेट निकल के आई है, जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों का इंतज़ार थी, खास करके जो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये अपडेट होने वाला रहेगा। और काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा। तो बात फाइनली मैं गाइज आपको बता दूं कि अभी यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा कि चेंज हो चुका है। अभी जो न्यू यूनिवर्सिटी बना है उसका नाम रखा गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। इसके पहले हम लोग का यूनिवर्सिटी था AKU यूनिवर्सिटी। अभी AKU यूनिवर्सिटी अब अपना लोग का यूनिवर्सिटी नहीं रहा है, अब अपना लोग का एक खुद का यूनिवर्सिटी हो चुका है, जिसका नाम दिया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा भाई? अब ये देखो, रजिस्ट्रेशन कराने वाले कौन थे? AKU यूनिवर्सिटी थे। अब AKU यूनिवर्सिटी जो है अब तो रहा नहीं, तो अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाला रहेगा ये आपके पास बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तरफ से मिलने वाला रहेगा। आपका जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी जो हो चुकी है, वहीं डाटा को अब आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिक करेगा। अब कैसे करेगा, ऐसे कैसे बोल देंगे आप, तो ये कब आएगा एक्चुअली, इसके बारे में हम लोग सारा जानकारी लेते हैं। तो चलिए अभी एक न्यूज़ में जो आ रखी है, इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज से काम करने लगेंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। मतलब कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अभी नए जो बना हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहीं पर एक देखोगे आप पॉइंट, तो ये पेपर का कटिंग है जो कि आई थिंक कि 15 तारीख को ही शायद से आ रखा है, ठीक ना। लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली इस टॉपिक पे। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ पटना से नोटिस निकल के, सॉरी पटना से ये जो पटना का पेपर पब्लिश हुआ है, यहाँ बताया गया कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बुधवार से काम करना शुरू कर दी है। नई यूनिवर्सिटी को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो AKU बोलते थे उनको, उसका डाटा शेयर कर रहा है। डाटा शेयर कर रहा है इन द सेंस कि जो भी डाटा है उनके पास, जैसे कि अभी तक AKU यूनिवर्सिटी चल रहा था, तो AKU यूनिवर्सिटी के पास जो भी हम लोग का डाटा रहा होगा वो AKU यूनिवर्सिटी किसको ट्रांसफ़र करेगा? जो न्यू यूनिवर्सिटी बनी है उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। अब ये देखिए, 18 मार्च से AKU की कोर्ट मीटिंग में इंजीनियरिंग कॉलेजों के बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के में शामिल करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। अब देखिए, 18 मार्च से जो है कि AKU यूनिवर्सिटी के मीटिंग से ये पारित कर दिया गया सारा मामला। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 15 मार्च से राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधीन हो जाएंगे। अब 15 से हो जाएंगे ये तो बात कंफर्म सभी को थी, और ये 15 तारीख बीत चुका है तो सभी को पता है कि अभी हम लोग का न्यूसा यूनिवर्सिटी बन चुका है। लेकिन अब देखना, अब क्या कमाल की बातें कर गई है यहाँ पर, देख सकते हो। अब बताया कि अब सभी तरह की परीक्षाओं का आयोजन बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ही करेगी। ये तो बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ है कि अभी सब कुछ अपना सेपरेट रहेगा। और यहीं पे लिखा गया है कि नए सत्र के दो, जो 2022 के स्टूडेंट हैं, यही बात पॉइंट वाली है, 2022 के या 2023 के जो भी स्टूडेंट हैं, जो कि एडमिशन लिए हैं अभी तुरंत में ही एडमिशन लिए हैं, उनका जो भी स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ही करेगी। इसका मतलब क्या रहा, देखो यहाँ पे करेगी, इसका मतलब क्या रहा कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे डाटा को यहाँ पे शेयर किया गया, तो जो डाटा AKU यूनिवर्सिटी के पास थी, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कहानी, ये डाटा अब ये AKU नहीं रख पाएगा। अब ये AKU जो है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये तो करने में लग ही गया होगा, तो डाटा इसको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ट्रांसफ़र करेगा तो ये बिहार के जितने भी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है ना, जो कि अब BTEC के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को, ठीक ना, और जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो कि बेसिकली एली से होंगे, रेगुलर स्टूडेंट नहीं होंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनका डाटा अभी जाने वाला है किसको? बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को। और ये डाटा अपना वापस से तैयार करेंगे और फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनका जारी करेगी। ये किसने बोला है? तो कुलपति प्रोफेसर AK वर्मा ने कहा कि धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ने वर्क करना शुर्यू कर दिया है। यूनिवर्सिटी की संचालन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बीबी से होगा। मतलब कि विश्वविद्यालय की जो बात करी जा रही है यहाँ पे, और इसका मतलब कि जो कैंपस बनाया गया ना, इसका खुद का कोई अभी कैंपस नहीं है, इसका AKU यूनिवर्सिटी जो है इसी के कैंपस में, इसका सारा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डाटा इसका पहली बार शेयर होगा, शेयर होकर के ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। अब बिहार यूनिवर्सिटी फिर से वापस से अपना करेक्शन वगैरह कर करके, मतलब अपने तरीका से ऑफिशियल रूप से वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को पब्लिश करेगा, जो भी 2022 में एडमिशन ले रखे हैं। तो अब अभी आपको कन्फर्म समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पर क्या मामला होने वाला रहेगा और क्यों डिले हो रहा था। अब हम लोग वापस से अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया तो अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक मिलेगा, ये पॉइंट की बातें थी। तो देखो अभी डाटा वगैरह सब कुछ शेयर हो रहा है, ठीक ना। तो आज कितना तारीख हो गया पहले ये बता दो मेरे को। तो आज आप लोगों को पता होगा कि आज जो तारीख हो रखा है वो आपके पास ये 18 तारीख हो रखा है, ठीक ना। 18/3/2022 की बात चल रही है। तो देखो 15 तारीख को ये बात बताइए कि डाटा शेयर किया जा रहा है,
और ये 3 दिन अभी हुआ है, तो 3 दिन में तो सब कुछ डाटा आपका शेयर वगैरह होगा नहीं, तो कम से कम इसमें 2 दिन से 3 दिन और लगने वाले रहेंगे, तो 2-3 दिन और आप लोग वेट करोगे, ठीक ना। और 2-3 दिन उसको फिर से अपने ऑफिशियल साइट इसका बनेगा, जैसे कि अभी AK यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, उसी तरीके से अपना बिहार यूनिवर्सिटी का भी अपना ऑफिशियल साइट बनेगा, जो कि अभी बना नहीं है, तो ये साइट भी बनेगा, तो इसमें भी 2 से 4 दिन लगने वाले ही रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली 2 से 4 दिन यहाँ रखो और 2 से 4 दिन यहाँ पर रखो, मतलब आप लोग कहेंगे कि 2 से 4 दिन में कैसे साइट बनेगा, तो अभी मैं कह रहा हूँ 2 से 4 दिन में, लेकिन वो ऑफिशियल रूप से तो काम कर ही रहे होंगे साइट के लिए, तो काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली मैं बता दूं कि 2-4 दिन इधर 2-4 दिन है, मतलब 6-7 दिन, मतलब कि एक तरीका समझ लो कि 7 डे के अंदर अंदर आपका जो है कि न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेना, 7 डेज में बोल दिया तो बोल दिया, 7 डेज के अंदर ही अंदर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सारे कॉलेज अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे, अपडेट देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉलेज में ही आता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉलेज में ही मिल जाता है, कॉलेज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा देती है। तो मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दी है कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलने वाला रहेगा, तो देख लेना। आज 18 तारीख हो गया, 18 में 7 जोड़ दो, यानी कि आपके पास 20 या 25 सॉरी यहाँ पे 25 तक, जो कि आपके पास 25 तक आपका सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा, सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए कि आपका बिहार यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कब से मिलने वाला रहेगा और कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा आपको लाइक कर देना है वीडियो को, ठीक ना, और चैनल पर पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, सो दैट कि ऐसे ही छोटी मोटी अपडेट आपको तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।